शनिवार रात इमारत सरिया के अमीर हजरत मौलाना वली फैसल रहमानी दरभंगा शहर पहुंचे। मौका था डॉन बॉस्को स्कूल में आयोजित तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का, जहां अमीर सरियत को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। जैसे ही वे यहां पहुंचे, पूरा स्कूल परिसर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लाइन में खड़े लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर भारत सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अपने पूरे संबोधन के दौरान अमीर शरीयत ने मुस्लिमों में तालीम की बेदारी पर जोर डाला। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी दावत बरकातहू से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कीमती पैगाम से आलियाने दरभंगा और पूरी मिल्लत इस्लामिया को इस्तेफादे का मौका देता है। अपने हज़रत अमीर शरीयत الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد علماء عزام عزيزين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں شرکت کا شرف بخشا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ ممتاز عالم صاحب کا سیکرٹری زراعۃ تنظیم امارت شرعیہ دربھنگا جناب سید نور حسن عبدی صاحب کا ڈائریکٹر ڈان باسکو اسکول سید محمد جاوید اقبال صاحب کا رکن ارباب ارباب حل وقت امارت شرعیہ جناب کلیم اللہ رحمانی صاحب کا رکن ارباب حل وقت امارت شرعیہ جناب ارشد رحمانی صاحب کا اور تمام منتظمین کا جنہوں نے اس باوقار کانفرنس کو منظم کیا جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم جميعا یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے اور میری اس رول میں ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو خوشخبریاں بھی دوں اور جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اس سے بھی آپ کو مطلع کروں۔ ماشاءاللہ ابھی اس مجمع میں بہت مختلف قسم کے لوگ شریک ہیں اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں علماء بھی ہیں اور اس میں سائنس کے پڑھے ہوئے علماء بھی ہیں اور اس میں نیچے پتا چلا کہ ڈان باسکو کے بچے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ان تمام آڈینس کے لیے مجھے کچھ باتیں سب کے لیے مجھے کہنی ہیں، میں چاہتا ہوں اور میں بہت مختصراً انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے آپ کو برا لگے تو میں شروع میں ہی معافی چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ تعلیمی بیداری کانفرنس میں آئے ہیں، ماشاءاللہ آپ تمام لوگ بیدار ہیں، تعلیم سے منسلک ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے تمام آیات بھی سنی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ہم لوگ متعلم ہوئے۔ ان سب باتوں کو ہم لوگ سنتے ہیں
और सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ जितने लोग हैं कम से कम वो सब बेदार लोग हैं। मैं आप बेदार लोगों से पूछना चाहता हूँ, सच्चर कमेटी की 460 पेज की रिपोर्ट किस किसने पढ़ी है, जरा हाथ उठा के बता सकते हैं? सच्चर कमेटी की 460 पेज की रिपोर्ट किसने पढ़ी है ना? तो वो रिपोर्ट जो हमारे लिए बनाई गई थी, हमारी बेदारी के लिए बनाई गई थी, वो हमने नहीं पढ़ी। और मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। इस सवाल के पूछने की वजह सिर्फ एक मकसद था कि मैं यहाँ पर कुछ धक्का मार सकूं। कुछ गलत है, यानी कल्चर है रीडिंग का जो हमारे अंदर गायब हो गया है। अच्छा, सच्चर कमेटी नहीं पढ़ी तो पड्डो कमेटी के बारे में जानना भी मुश्किल होगा थोड़ा, और गुंडो कमेटी नहीं देखी तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसके बारे में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? तो हम लोग जो बेदार हैं उनका ये हाल, हम लोग जो बेदार हैं उनका ये हाल है, तो ये हाल नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। अब जबकि मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा और बेदार कर दिया है, मैं हिंदुस्तान के तालीमी लैंडस्केप के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में कई किस्म के इदारे हैं, तकरीबन 950 यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में आज तारीख में। इस 950 यूनिवर्सिटीज में से 161 यूनिवर्सिटी तकरीबन एक स्पेशल कैटेगरी में आती है जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां? इसमें है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। इस किस्म की यूनिवर्सिटियां इसमें है। इस यूनिवर्सिटी में ये जो 161 यूनिवर्सिटी है और बाकी जो 712 यूनिवर्सिटी, उसमें क्या फर्क है? उसमें ये फर्क है, इस 712 यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, उनकी तनख्वाह 12,000 रुपये महीने होती है, और इस जगह जो बच्चा पढ़ने जाता है उसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपये महीने होती है, ये फर्क। अच्छा, इस जगह जो पढ़ने जा रहा होता है उसकी अक्सर फीस 99% फीस हुकूमत दे रही है। वो कैसे दे रही है? मेरे और आपके पैसे से दे रही है, जब हम टैक्स देते हैं, जब हम टूथब्रश खरीदते हैं, जब हम दूध खरीदते हैं, जब हम चाय खरीदते हैं, जब हम चावल खरीदते हैं, जब हम कफन खरीदते हैं, तो हम जो टैक्स देते हैं उससे ही हो रहा है, ठीक है ना? ये जो डिस्पैरिटी है, तफावत है, वो कितनी बड़ी है इसको समझिए। अगर पूरे भारत में 100 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं और 100 बच्चों को पढ़ाने में 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, बात को समझिएगा, 100 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं और 100 बच्चों को पढ़ाने में 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 3 बच्चे को पढ़ाने में हुकूमत 52 रुपये खर्च कर रही है, 3 बच्चे को पढ़ाने में 52 रुपये खर्च कर रही है। ये 3 बच्चे जब निकलते हैं तो इनको साल का मिलता है 22 लाख। 97 बच्चे को पढ़ाने में हुकूमत 47 रुपये खर्च कर रही है, 97 बच्चे 97 बच्चों को पढ़ाने में हुकूमत 47 रुपीज खर्च कर रही है। इन बच्चों को जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं तो इनको मिलता है 12,000 रुपये महीना, ठीक है ना? अब आपको ये तय करना है कि आपके बच्चे इधर वाले में जाने हैं या इधर वाले में जाने हैं, इधर वाले में जाने हैं या इधर वाले में जाने, ठीक है ना? अब इधर वाले में कैसे जाएंगे, ये असल ये इधर वाले में कैसे जाएंगे? तो इधर वाले में जाने के लिए तालीम में एक्सेलेंस पैदा करना होता है, ऐसे नहीं होता, ख्वाहिशात से नहीं होता, बात करने से नहीं होता। तो इधर जाने का मतलब ये है, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ और शायद सिर्फ एक बात को कह करके मैं इस एक्सेलेंस की चीज से आगे बढ़ूंगा, एक्सेलेंस का मतलब क्या है? अगर हम लोग एक्सेलेंस को शायराना अंदाज में कहें तो कहें एक्सेलेंस इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, डूइंग मोर देन यू एक्सपेक्ट, ठीक है ना? लेकिन तालीम के नुक्ते नजर से एक्सेलेंस क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर क्या है एक्सेलेंस का? तो जब आप डॉन बॉस्को स्कूल में पास मार्क्स कितना है डॉक्टर साहब, यहाँ आजकल पास मार्क्स कितना है, कितने नंबर पे बच्चे पास होकर दूसरी क्लास में चले जाते हैं? 33% ठीक। तो डॉन बॉस्को स्कूल में अभी, और मेरा ख्याल है तमाम स्कूल में ऐसे ही होगा, 33% पास मार्क्स, अगर बच्चे को 33% आ गया तो वो दूसरी जमात में चला गया, पहले से दूसरे में चला गया। 33% का मतलब क्या होता है इसको सोचिए जरा, 33% का मतलब ये होता है कि बच्चे को 67% नहीं आया कांटेक्ट। 33% का असल मतलब ये होता है
कि बच्चे को आपने बच्चे को जो दिया पढ़ने के लिए किताब के लिए मसलन बच्चे को आपने 10 टॉपिक दी पढ़ने के लिए, 10 टॉपिक में से 6.5 टॉपिक बच्चे को नहीं आए, 6.5 टॉपिक पर बच्चे की कोई इस्तेदाद नहीं है, बच्चे ने उसको नहीं समझा है, बच्चे की एक कैफियत नहीं आई है कि वो अपनी जबान में अपने फहम से अपने उस्ताद को मुतमईन कर सके कि वो इस चीज को समझ गया है। 33% मार्क्स दिए, तो अब ये बच्चा जिसने 33% जिसको आया है वो पहली जमात से दूसरी जमात में चला गया, सेकंड क्लास में चला गया, सेकंड क्लास में जब वो गया, और एक बच्चा जिसको 98% आया है पहली जमात में, दोनों एक ही क्लास में, आपको क्या लगता है जिसको 33% आया है वो कैसा महसूस कर रहा होगा, और वो क्या कभी भी इस लायक हो सकेगा कि वो 98% ले आए? कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये वो तफावत है, ये वो डिस्पैरिटी है जो खत्म कर रही है। एक बच्चे को जो वही टीचर पढ़ा रही है 98% आता है, और एक बच्चे को 33% आता है। अच्छा, हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चे का जहन कमजोर है, बच्चे का जहन कमजोर है। हम लोगों ने एक तजर्बा किया जामिया रहमानी में, जिसे दारुल हिकमत कहते हैं, एक शोबा है दारुल हिकमत का जहाँ की तदरीसी जबान अरबी है, वहाँ अरबी बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब वो पहले साल में आते हैं, 8 साल का बच्चा, उसको अरबी में पढ़ाते हैं, वो 6 महीने में अरबी बोलता है और 1 साल तक फ्लुएंट हो जाता है।